बर्ड वॉच न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को विकास अग्रवाल का नमस्कार। दमोह शहर के आसपास की ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, जिससे आपको हर खबर का तुरंत अपडेट मिलता रहे। आइए नजर डालते हैं बड़ी खबर पर। पूर्व जिलाध्यक्ष देवनाथ जी श्रीवास्तव, उनकी आकस्मिक चुनाव के दौरान मौत हो गई थी, उनकी बेटी ने गंभीर आरोप लगाए थे, उसके बाद आज आप यहाँ पर क्या बात है? देखिए, देवनारायण जी हमारी पार्टी के जिले के अध्यक्ष थे। बहुत ही दुखद घटना हुई है। कोविड काल के कारण लोग नहीं पहुंच पाए, कोविड का जो प्रोटोकॉल था उस कारण से भी आज घर पे आके परिवार से और उनकी जो बेटी से हम लोग मिले हैं। हमारा पार्टी का परिवार है और भारतीय जनता पार्टी उनकी पूरी चिंता करेगी, परिवार की पूरी चिंता करेगी और हम लोग पूरी तरह से उनके साथ है। और मुलाकात हुई है, बातचीत हुई। उनकी बेटी का कहना था कि इतने साल पार्टी को दिए, पूरा समर्पण दिए, लेकिन बदले में क्या मिला? उल्टा इलाज में 10 लाख रुपए का खर्च हो गया। तो क्या पार्टी या सरकार उनकी कोई ऐसी आर्थिक मदद करती है? हम लोग सब प्रकार से चिंता करेंगे, वो हमारा परिवार है और इसलिए सब प्रकार से चिंता करेंगे, कोई घटनाएं नहीं आना चाहिए। कल दमों के मतलब दमों के मध्य प्रदेश बिहार हाउसिंग कॉर्पोरेशन के प्रदेश अध्यक्ष राहुल सिंह लोधी आए थे और आज मंत्री भूपेंद्र सिंह आए। क्या आश्वासन दिया और क्या बात जी? पहले तो मैं सभी मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि उनकी वजह से हमारी आवाज़ जो है वो प्रशासन तक पहुँची, तो उसके लिए आप सबका बहुत धन्यवाद। दूसरा, जितनी भी जो भी हमारी परेशानियाँ थी, जो हमने कल राहुल सिंह जी को भी बताई, आज भूपेंद्र सिंह जी को बताई, प्रदेश अध्यक्ष जी शर्मा जी हैं उनसे भी मेरी अभी फ़ोन पे बात हुई, तो सभी ने इस चीज़ का आश्वासन दिया है कि जो जिस चीज़ का हमारे को एक मलाल था कि पापा ने इतना कुछ करा लेकिन उसका कुछ नहीं, वो हमको रिजल्ट मिला, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि हम जो हैं उनके मतलब बीजेपी के परिवार जैसे ही हैं और जितनी भी हमारी परेशानियां हैं वो उन सबको वो खुद उसको देखेंगे और जितना भी पार्टी से हो सकेगा, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, वो उसको पूरा सहयोग देगी पार्टी हमको। सभी लोगों ने, चाहे वो राहुल सिंह जी हों, मलैया जी हों, भूपेंद्र सिंह जी हों, बी डी शर्मा जी हों, सभी ने ये कहा है, ये आश्वासन भी दिया है और उन्होंने ये पूरा मतलब मेरे कोई भी परेशानी हो, मेरे परिवार की कोई भी परेशानी हो, उसको पूरे हक से उनको पर्सनली बताएं हम, तो इस चीज़ का भी गैर इस चीज़ का हम उन सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भी करते हैं। और अब हमको भी एक रिलैक्सेशन है कि पार्टी अब जो है हमें जो आश्वासन मिला है उससे हमें चीज़ से कोई भी मलाल नहीं है और उन्होंने जितना भी हमको खुद आए हैं, खुद उन्होंने हमसे जो संपर्क करा है उसके लिए हमने सभी को बहुत धन्यवाद दिया।